दलितों के नाम पर तोड़फोड़ और सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन हजारों साल पुरानी परंपरा उस वक्त टूट गई जब हैदराबाद के मंदिर के पुजारी ने एक नई परंपरा शुरू कर दी। पुजारी ने एक दलित युवक को अपने कंधे पर बिठाया और श्री रंगनाथ मंदिर के भीतर लेकर गए। आपको बता दे, इस युवक का नाम आदित्य पारासरी है। हैदराबाद के चिलकुर बालाजी मंदिर के पुजारी सीएस रंगराजन ने बताया कि हालिया के दिनों में दलितों के साथ हुए भेदभाव से और अत्याचार से वो काफी खफा थे। हिंसात्मक घटनाओं के खिलाफ देश भर में रंगराजन एक मजबूत संदेश देना चाहते हैं। तमिलनाडु में पुजारी द्वारा दलित युवक को कंधे पर बिठाकर मंदिर ले जाने की इस प्रथा को मुनि वाहन सेवा के नाम से जाना जाता है। पुजारी सीएस रंगराजन ने कहा कि इस कदम का मकसद दलितों के साथ हो रहे अत्याचार को रोकना है, इससे लोगों की मानसिकता बदलेगी। इस वीडियो को चोगोड़ी चंद्रशेखर नामक युवक ने फेसबुक पर पोस्ट किया। दलित युवक आदित्य का कहना है कि ये बदलाव की शुरुआत है। लाइव खबर से नाजरीन खान की रिपोर्ट।